मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर की जनता से नेता वोट विकास के नाम पर लेते हैं, पानी बिजली अन्य सुविधाओं के साथ साथ बेहतरीन सड़कें बनाने का दावा करते हैं, मगर ऐसे में उन वोटरों को ये देखने की जरूरत है कि उनके द्वारा चुने गए नेता उनके लिए उनके शहर में कैसा रोड बना रहे हैं। यकीन नहीं होता तो आप देख लें। मुंब्रा शहर के वोटरों को ये देखने की जरूरत है कि आपके शहर मुंब्रा की सड़कों की तस्वीर है जो गड्ढों से भरमार है। मुंब्रा शहर की आम जनता जहां ट्रैफिक जाम की समस्या से परेशान थी, तो वहीं अब मुसीबत गड्ढे भी बनते जा रहे हैं। मुंब्रा की सड़कों पर हुए ये गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं कि अगर इसमें कोई बाइक सवार गिर गया और पीछे से आ रही दूसरी की गाड़ी के चपेट में आ गया तो उसकी मौत भी हो सकती है। मगर बारिश के पहले ही घटिया मटेरियल डालकर ये गड्ढे भरे गए और अब तेज बारिश होने की वजह से सड़कों का हाल आप देख सकते हैं। दारुल फलाह मस्जिद के पास की ये तस्वीरें हैं जहाँ सड़कों पर गड्ढों का भरमार है। एक तरफ मुंब्रा शहर के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, संघाई बनाने का दावा कर रहे हैं कि मुंब्रा की सड़कों पर गड्ढे ही नहीं हैं, मगर सच्चाई तो और ही कुछ है। झूठे दावे करने वाले ये नेता, इन्हें देखने की ज़रूरत है कि मुंब्रा शहर में कितने सड़कों पर गड्ढे हैं। इन्हीं गड्ढों से उछल कूद मचाते हुए, हिचकोले खाते हुए अपने गाड़ियों में बैठकर मुंब्रा शहर के नेता जाते हैं, मगर उसके बावजूद भी ये गड्ढों को नहीं भरा जा रहा है। इसी तरह से मुंब्रा के मित्तल ग्राउंड के पास और दाभोलकर के पास रेलवे ब्रिज पर आपको बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इन गड्ढों को भरा नहीं जा रहा है। मनपा प्रशासन को बारिश के पहले ही अच्छे मटेरियल इस्तेमाल करके इन गड्ढों को भरना चाहिए था, मगर सिर्फ खाना पूर्ति की गई और जिसका नतीजा आपके सामने है। थाने में हुए गड्ढे की वजह से हादसे में मोहनीश नाम के एक व्यक्ति की जान चली गई थी, जिसके बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने सभी अधिकारियों को फटकार लगाई और गड्ढों को तुरंत भरने के निर्देश दिए। मगर उसी थाने के मुंब्रा शहर की ये तस्वीर आपके सामने है जहां कदम कदम पर आपको सड़कों पर गड्ढे मिलेंगे, मगर ना ही मनपा प्रशासन इस पर ध्यान दे रही है और ना ही शहर के नेता इन गड्ढों को भरने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं। अगर ऐसे में हादसा होता है, इन गड्ढों की वजह से किसी की जान जाती है, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, मनपा या मुंब्रा के नेता? क्या होता है भाई? भाई जवाब दो। हाँ बोलो। सरकार यक मारती है।